जय श्री राम। प्यारे भक्तों, सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, अभी सोने से पहले 2 मिनट ऐसा करें, आपको ऐसी गहरी नींद आएगी कि आप सब टेंशन, चिंता, परेशानी भूल जाओगे और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे और पूरी रात भगवान आपके साथ रहेंगे, आपके अंदर उनका नाम भी चलेगा। करना क्या है प्यारे भक्तों, हमारे शरीर में एक ऐसी बेशकीमती वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो है हमारे प्राण। और इन प्राणों में ही छिपा है हर बीमारी का राज। हर बीमारी आप इन प्राणों से दूर कर सकते हो, हर समस्या इन प्राणों से दूर हो सकती है, बशर्ते आप इनका प्रयोग करना जानते हो। हम अपने वीडियोज में बताते हैं कि प्राणों में स्वयं प्राणपति विद्यमान है। तो जब आप प्राणों के द्वारा कोई भी प्राणायाम करते हो या प्राण जप करते हो तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है परमात्मा से, बशर्ते आप जानते हो। तो आपको जब आप सोने लगें, जब आप नाम जप वगैरह सब कुछ कर, उनको नींद नहीं आती है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें लंबी गहरी श्वास लेनी शुरू कर देनी है। आप जैसे भी लेटे हो, सीधे लेटे हो, सीधे, पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने करवट लेके बताया था, लेकिन अब हम कहते हैं अगर आप सीधे भी लेटे हो तो सीधे लेटकर भी कर सकते हो, करवट ले रखी है तो करवट लेटकर कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है। जब तक आपको नींद ना आ जाए, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, तब तक आपको लेनी है नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। देखो ऐसे भी ऐसे ही श्वास लेते लेते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी, ये पक्का है। और जब श्वासों को आप लंबा गहरा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी कि आप श्वासों का ध्यान भी कर रहे हो, प्राण जप भी हो रहा है आपका, तो आप परमात्मा से कनेक्ट भी हो रहे हो और परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो। श्वासों पे ध्यान करते करते आप सो गए हो तो पूरी रात आपका नाम जप चलेगा, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। एक पंथ अनेक काज, और आपको इतनी गहरी नींद आएगी, आप सुबह उठेंगे बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। और इससे एक लाभ और होता है, कई घंटों की नींद कुछ ही घंटे में पूरी हो जाती है आपकी। मान लो 1 घंटे बाद आँख खुल गई तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और मेरी नींद पूरी हो गई है। और गहरी नींद में सोएं और अपनी सब प्रकार की टेंशन दूर करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।